वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन लर्न टुगेदर। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहने वाले हैं, जो कि आप लोग अपनी बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, सेशन जो है वो इंग्लिश का रहने वाला है, बिकॉज क्योंकि आप लोगों का आगे चल के इंग्लिश में ही एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है बीएससी नर्सिंग में। जैसा कि आप लोग जानते हो कि अब जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो इंग्लिश के ही लेवल पे होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट एंट्रोपी। इसमें से हाईएस्ट एंट्रोपी किसकी है, मरकरी, हाइड्रोजन, वाटर या ग्रेफाइट। तो आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन बताना है कि मरकरी, हाइड्रोजन, वाटर, ग्रेफाइट में सबसे हाईएस्ट एंट्रोट्रॉपी किसकी है। तो ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का बी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वन मोल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट एंट्रोट्रॉपी। इसमें से कौन सा मोल है जिसके पास हाईएस्ट एंट्रोट्रॉपी होती है, एंट्रोपी। तो लिक्विड नाइट्रोजन, हाइड्रोजन गैस, मरकरी या डायमंड। तो आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन बताना है। तो आप लोगों का राइट हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एंट्रोपी हाइड्रोजन की ही होती है, इसलिए इसमें मोल में ही पूछा गया, तब भी आप लोगों की हाइड्रोजन गैस की सबसे हाईएस्ट एंट्रोपी होगी। नेक्स्ट है, एट एब्सोल्यूट जीरो द एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्ट क्रिस्टल इज जीरो। दिस स्टेटमेंट कॉरेस्पॉन्ड्स टू विच लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। फ्रेंड्स, आप लोग बता दें, ये जो चैप्टर मैंने लिया है आप लोगों के एमसीक्यू थर्मोडायनेमिक्स से ही है आप लोगों के एमसीक्यू। तो ये जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, तो इसमें से आप लोगों को लॉ बताना है कौन सा लॉ है। तो थर्ड लॉ हो जाएगा आप लोगों का राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा, थर्ड लॉ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया, थर्ड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स प्रोवाइड मेथड ऑफ इवेलुएट प्रोवाइड बिच प्रॉपर्टी। जो हमारा थर्ड लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, वो किस तरह की प्रॉपर्टी, किस तरह का मेथड इवेलुएट करता है कि मतलब किस तरह की प्रॉपर्टी रखता है। तो एब्सोल्यूट एनर्जी एब्सोल्यूट करता है, या एब्सोल्यूट एन्थैल्पी, एब्सोल्यूट एंट्रोपी या एब्सोल्यूट फ्री एनर्जी। थर्ड लॉ में आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स में बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा, एब्सोल्यूट एंट्रोपी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसमें से आप लोगों को स्टेटमेंट कौन सा फॉल्स है वो आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर हमारा ए है, बर्क इज ए स्टेट फंक्शन। बर्क एक स्टेट फंक्शन होता है क्या, टेम्परेचर इज ए स्टेट फंक्शन। या ऑप्शन नंबर सी है, चेंज इन द स्टेट इज कम्प्लीटली डिफाइंड बेन द इनिशियल फाइंड स्टेटस आर द स्पेसिफाइड। ऑप्शन नंबर डी है, बर्क अपीयर्स एट द बाउंड्री ऑफ सिस्टम। सो आप लोगों को इसमें से फास्ट बताना है। 3 आप लोगों के ट्रू दिए हैं एंड 1 आप लोगों का फास्ट दिया है। सो इसमें से ऑप्शन नंबर जो आप लोगों का ई है वो फॉल्स है। बर्क एक स्टेट फंक्शन नहीं होता है, बर्क जो है एक स्टेटिक फंक्शन नहीं प्रोवाइड करता। देखिए, बर्क है तो उसमें कुछ ना कुछ तो मतलब एनर्जी होगी। बर्क अगर आप लोग कर रहे हैं तो आप लोगों की कुछ तो एनर्जी होगी, लेकिन टेम्परेचर इज ए स्टेट फंक्शन एंड चेंज इन द स्टेट्स कम्प्लीटली डिफाइंड बाय द इनिशियल फाइनल स्टेट्स आर स्पेसिफाइड। बर्क अपीयरेंस एट द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को वही साल करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ए मैक्सिमम इंक्रीज इन द एंट्रोपी इज ऑब्जर्व्ड। ऑप्शन नंबर ए है, डी सोल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर। ऑप्शन नंबर बी है, कंडेंसेशन ऑफ वाटर, सब्लिमेशन ऑफ द नेपथेलिन एंड ऑप्शन नंबर डी है, मेल्टिंग ऑफ आइस। सो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा, सब्लिमेशन ऑफ द नेपथेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, इन एक केमिकल रिएक्शन, जो हमारी केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स इज मोर देन द बॉन्ड एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, देयर फॉर द रिएक्शन। तो ये कौन सी रिएक्शन कहलाती है, जब एक केमिकल रिएक्शन बॉन्ड एनर्जी से रिएक्टेंट करके मोर देन बॉन्ड एनर्जी करती है, प्रोडक्ट बनाती है, तो ये कौन सी रिएक्शन कहलाती है, एक्जोथर्मिक, आथर्मिक, एंडोथर्मिक एंड इंडर गोनिक। तो ऑप्शन नंबर जो आप लोगों का सी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, एंडोथर्मिक, कॉन्स्टेंट, कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। क्वेश्चन है, इंटरनल एनर्जी डज नॉट इंक्लूड, इंटरनल एनर्जी क्या नहीं इंक्लूड करती है, न्यूक्लियर एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी एंड एनर्जी ऑफ ग्रेविटेशनल
पुल आप लोगों के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू वही मैं आप लोगों के साथ सॉल्व करवा रही हूँ, क्योंकि देखिए ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, थोड़े बेस ही आते हैं क्वेश्चन, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं आते। तो आप लोगों का थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों के एमसीक्यू कितने राइट हो रहे हैं। आप लोग मेरे चैनल से रेगुलर जुड़े रहिएगा तो आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगी इंग्लिश में एमसीक्यू सॉल्व करने, क्योंकि देखिए आप लोग जानते हो कि जो हमारा 2022 का सेशन रहेगा वो इंग्लिश का रहने वाला है। यूपी में थोड़े ही गवर्नमेंट कॉलेज बचे हैं, 2-3 गवर्नमेंट कॉलेज जो अपना फॉर्म अलग निकालेंगे, वरना अगर आप लोग प्राइवेट में भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोगों को इंग्लिश में ही एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैंने उसके लिए वीडियो बना दिया है कि बीएससी नर्सिंग आप लोगों को कैसे करनी है 2022 में, आप लोग जाके वो वीडियो देख सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए है न्यूक्लियर एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी एंड एनर्जी ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल। तो ऑप्शन नंबर डी है एनर्जी ऑफ ग्रेविटेशनल पुल। इन द थर्मोडायनेमिक्स ए प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्सिबल वेन। थर्मोडायनेमिक्स का प्रोसेस जो है वो क्या, किसके रिवर्सिबल होता है, क्या कहलाता है, सराउंडिंग एंड सिस्टम चेंज इनटू ईच अदर। ऑप्शन नंबर बी है देयर इज द नो बाउंड्री बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। ऑप्शन नंबर सी है द सराउंडिंग्स आर ऑलवेज इक्विलिब्रियम विद द सिस्टम, द सिस्टम चेंज इनटू द सराउंडिंग स्पॉन्टेनियसली। सो ऑप्शन नंबर जो आप लोगों का सी है वो करेक्ट हो जाएगा, द सराउंडिंग आर ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम विद द सिस्टम। सो फ्रेंड्स आज को थर्मोडायनेमिक्स के एमसीक्यू थे, हो सकता है आप लोगों को थोड़े टफ लगे हो, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स ऐसा ही चैप्टर जिसमें आप लोगों को थोड़ा टफ लगे, तो अगर आप लोग इसका चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आप लोगों को फिर टफ नहीं लगेगा। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी एंड फिजिक्स के एमसीक्यू लाऊंगी एंड हिंदी के भी वीडियो बनाने वाली हूँ जल्द, क्योंकि जो स्टूडेंट सैपा यूनिवर्सिटी एंड अदर यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए हिंदी का वीडियो भी सही रहेगा, तो हिंदी के एमसीक्यू भी बहुत ही जल्द आने वाले हैं। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ।